हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये दिया गया है पी बट्टे क्यू के रूप में हमें कुछ परिमेय संख्याएं लेनी है और जिनके पी और क्यू को पूर्णांक होने चाहिए और पी और क्यू का गुणनखंड सिर्फ एक होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और 3, इनका गुणनखंड कितना है? 1, मतलब ये दोनों एक के पहाड़े में आते हैं और किसी और के पहाड़े में दोनों ना ही आते हैं। अच्छा, और हमें साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप परिमेय संख्या लोगे उसके दशमलव प्रसार शांत होने चाहिए। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दशमलव प्रसार शांत पूछा है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए आपके पास क्यू जो है हर में हम कौन सी संख्या लेंगे, तो पहले कुछ उदाहरण लेते हैं फिर हम समझते हैं इन चीजों को। जैसे हमने लिया एक उदाहरण 3/2, मैंने 2 लिया है, तो 3 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1.5। तो अगर 3/4 लेता, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आता, 3 को अगर 4 से करता तो 0.75 ही आ जाता। इसका मतलब है 2 या 2 की पावर में आने वाली संख्याएं, अगर आप ये लेते हैं, अगर मैं ऐसी 3/8 लूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 8 या 24, 8 से 56, 8 से 40। ये देखो, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत। तो यहाँ 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 2, 4, 8। अगर मैं 16 लेता हूं तो 4 संख्याएं देगा वो और उसका भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा, ये तो तब हुआ जब मैं 2 या 2 की पावर में लिया। अच्छा, अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं 5 लेता हूं, अगर मैं 3/5 लेता हूं तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा, 0.6। अगर मैं 3/25 लेता हूं, मतलब 5 की पावर 2, और फिर इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो डिवाइड आप खुद करके देख सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो डिवाइड आएगा वो आएगा 0.12। ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, देखते हैं, ये हो गया 30 एकम 50, ये हो गया 0.12 आ गया। इसी तरीके से अगर 3 और नीचे में अगर 125 लेता हूं और फिर मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं तो तब हमारे पास कितना आएगा, आप वो करके देखेंगे खुद तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। अच्छा, तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर इसको डिवाइड खुद करके देखेंगे आप। तीसरा हमारे पास दशमलव प्रसार हमने लिए, जैसे हमने 5 नहीं लेते, हम 7/10 लिया, तो कितना बन गया हमारे पास, 0.7। ऐसे ही अगर मैं 9/100 लू, 9 को 100 से भाग करूं तो ये 0.09 आएगा। तो हमने ये चीज देखी कि अगर हमारे पास हर में 2 या 2 की पावर वाले नंबर्स अगर आए, 5 या 5 की पावर्स वाले नंबर आए, 10 या 10 की पावर्स वाले नंबर आए, तो हमारे पास जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत बनेगा। अगर इनके अलावा अगर कोई और नंबर आपने लिया तो हमारा दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं बनेगा। अच्छा, एक हम एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का, जिसमें 2, 5 के अलावा कोई और संख्या भी हो तो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा बनता है, ये भी हमें देखना चाहिए। जैसे हमारे पास है, जैसे हमने ये लिया 7/6, ये 2 के पहाड़े में पीछे आते, लेकिन इसमें 3 भी है। अगर मैं 7 को 6 से भाग करता हूं तो मेरे पास जो दशमलव प्रसार है वो अशांत बनेगा। आप करके देख सकते हैं, 7 को 6 से भाग, 7, 6 एकम 6, 1 आ गया, दशमलव लगाया 0, 6 बन जा 6, ये हो गया 4, 0, 6, 6 हो गया 36, ये फिर से आ गया 4, 0, 6, 6 36, इसका मतलब है 1.1666 इस तरह का दशमलव प्रसार बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि Q जो है आपके पास, Q में क्या होना चाहिए, आपके पास Q में या तो हो 2 की पावर m, मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। Q या फिर हो 5 की पावर n, यहां n का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लो। Q या फिर हो 2 की पावर m × 5 की पावर n, इन तीनों में से अगर किसी भी रूप में Q आप लोगे तो आपके पास जो दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत बनेगा। अगर तुम्हें इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मैं समझा देता हूं। जैसे 3 की पावर 2 की पावर m है, अगर मैं m की जगह 1 लिख दूं तो 2 की पावर 1, 2 हो जाएगा। अगर मैं m की जगह 2 लिखूं तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4।
अगर मैं m की जगह 3 लूं, 2 की पावर 2 कितना, 3 कितना हो जाएगा 8, अगर मैं m की जगह 4 लूं तो कितना हो जाएगा 16, मेरा ये कहने का मतलब है आपको q की जगह ये लेना है। अब 5 के लिए, अब ये 5 के लिए अगर मैं 5 इसमें n की पावर 1 लें तो ये 3 की पावर 5 की पावर 1 कितना हो गया 5, 3, 5 की पावर n की जगह 2 ले तो कितना हो जाएगा 25, और n की जगह अगर मैं 3 ले तो कितना हो जाएगा 125। ये तो हो गए q के दो उदाहरण के लिए। अगर मैं जैसे 3 है 2 की पावर m, m ले लेता हूं मान लो 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, मान लेता हूं n में ले लेता हूं 3, तो 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, तो 3 ये हो गया 500। अगर इसको भी भाग करोगे तो ये दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है 7th, उसमें ये कहा गया है कि तीन अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण हमें लिखने हैं। मैं आपको बता चुका हूं हमारे पास शेषफल के अनुसार दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक होती है शांत एक होती है अशांत। अशांत में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। तो हमें यहां पर अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण लिखते हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। याद रखना अनवसानी अनावर्ती को हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन, रूट इलेवन, ये सब अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण है। तो कुछ और उदाहरण भी हम देखते हैं दशमलव के, जैसे जैसे 1.10100100 1000 4 times 0, इस टाइप से आप, ये हमारे पास एक हो गया अनवसानी अनावर्ती। आप कोई पर्टिकुलर संख्या कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रही, मतलब यहां पर जीरो हर बार बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। अब अगला एक और ले सकते हैं हम, बना अपने हिसाब से कैसे, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, फिर ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। पाई भी 3.14, ये भी आपका अनवसानी अनावर्ती का आता है। रूट टू जो होता है 1.414, ये भी आपके पास अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण है। रूट थ्री जो होता है 1.732, ये भी अनवसानी अनावर्ती का एक उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने ये तीन उदाहरण देख लिए। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है।